हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडी है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो यार, हमारे प्यारे आठवीं के स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी का पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट करा के रखा है। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप बस सर्च कर लेना, हर स्टैंडर्ड के लिए हर सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे चैनल पे है। पढ़ाई करते रहो, बस इतना बोलना चाहूंगा, कीप लर्निंग हार्ड। लेकिन आप लोग के सुविधा के लिए एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, तो यार फाइनल एग्जाम्स के लिए एक लास्ट मोमेंट रिवीजन तो बनता था, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन हम लेकर आ गए फिर से एक और बेहतरीन वीडियो, जिसका नाम है 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स सब्जेक्ट का LMR रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 17। मैथ्स का ये आखिरी चैप्टर है, यानी कि लगातार हमने जितने भी चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले थे मैथ्स के, वो सभी को फटाफट तरीके से रिवाइज करा दिया। तो चैप्टर नंबर 17 सर्कल कॉर्ड एंड आर्क, ये चैप्टर को भी आज फटाफट तरीके से रिवाइज मैं कराने वाला हूं। तो बस आपको एक काम करना है, क्या, ये वीडियो को बस एंड तक, लास्ट तक देख लेना है। बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा ये चैप्टर आपको, और इस चैप्टर को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर का लेक्चर वीडियोस भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाओ, एप्लीकेशन जेआर ट्यूटोरियल्स का डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो ऐप। यार बाकी गेम्स वगैरह के लिए तो आप डाउनलोड कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, यार हमारा ऐप खुद का जेआर फैमिली का ऐप डाउनलोड कर लो यार फटाफट से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहो बच्चे। चलो यहां पे आएंगे, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा। ये है एक सर्कल, सर्कल के एक मिडल पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, जिसको मैंने ओ नाम दिया है, और यहां पे ए बी एक लाइन खींचा हुआ है जिसको बोलते हैं कॉर्ड। पता है ना, कोई भी लाइन अगर सर्कल के सेंटर को छोड़ के कहीं से भी पास हो रही है तो उसको कॉर्ड कहते हैं। तो ये क्या है, कॉर्ड है, जिसका नाम है ए बी, और ये ओपी है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कभी भी कैसा होता है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है उसके कॉर्ड पे ड्रॉन किया जाता है, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है दो हिस्सों में। मतलब ये ओपी ने क्या किया है, ये एबी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा एपी हो गया, एक हिस्सा पीबी हो गया। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है एबी से, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन ये ओपी के वजह से, ये स्ट्रेट लाइन ओपी के वजह से ये एबी पूरा जो था उसने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा हो गया आपका एपी हिस्सा, दूसरा हिस्सा हो गया पीबी। अब ये दोनों का ही आपको डिस्टेंस अगर निकालना है, लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो लेंथ ऑफ एपी या फिर पीए बोल लो, जो भी बोल लो, उसका डिस्टेंस, या फिर लेंथ ऑफ पीबी का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, इस पूरे का आधा कर दो, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी, यानी पूरे का हाफ कर दोगे तो आपको आंसर जो है वो देखने मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल पे और आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलो अब पहला प्रैक्टिस सेट 17.1, पहला एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इन ए सर्कल विथ सेंटर पी, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर पी दिख रहा है आपको, ठीक है, कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन, ये ए बी एक कॉर्ड है जो ड्रॉ किया गया है, ठीक है, लेंथ उसका 13 सेंटीमीटर है, सेगमेंट पी क्यू ऐसा है कि वह परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, हमें बोल रहा है कि क्यूबी का वैल्यू निकालो, यानी ये क्यूबी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि यहां पे पी क्यू इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू ए बी से परपेंडिकुलर है, ठीक है, बराबर, ये हो गया। हमें निकालना है क्यूबी का वैल्यू, लेंथ ऑफ क्यूबी का हमें वैल्यू निकालना है, यानी लेंथ ऑफ क्यूबी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें वैल्यू निकालना है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, निकाल लेंगे, करेक्ट है, निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, चलो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि कोई भी इसका हो गया या फिर इसका हो गया, अगर मुझे लेंथ निकालना होता है तो लेंथ ऑफ क्यूबी ले लो या फिर ए क्यू ले लो, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ पूरा, किसका, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, तो चलो वैल्यू डाल दो, हाफ मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ ऑफ ए बी जो है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, ए बी का लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 13, 13 का आधा कितना होता है 6.5 सेंटीमीटर, आ गया आंसर, खत्म कहानी, मिल गया आपको एक मार्क्स। तो देखो ये दिखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन दिखता है, लेकिन कितना इजी होते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जाए, तो भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा और आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, है कि नहीं दोस्तों, करेक्ट है, कर लोगे सॉल्व। आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलो ध्यान देना, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर ओ दिया हुआ है और यहां से लेके 25 सेंटीमीटर ओडी है, मतलब मेरा रेडियस ओडी 25 सेंटीमीटर है, हमको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर ये रहा और कॉर्ड ये रहा, मतलब ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, यानी कि इन शॉर्ट मुझे ओपी का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, ओपी का। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो लिख लेता हूं, ओपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओपी का वैल्यू निकालना है, यहां पे दो चीज देके रखा है उन्होंने, ओडी का वैल्यू देके रखा है 25 सेंटीमीटर, दूसरा ये पूरा का पूरा सीडी है ना, पूरा सीडी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है कितना, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पे कैसे निकालोगे, आपको निकालना तो सिर्फ ओपी है,
अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है और ये 90 डिग्री यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पढ़ाया था आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन इसका साइड मुझे पता है तो ये साइड भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, पीडी। ये साइड पीडी है, तो सबसे पहले पीडी निकालेंगे। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ पीडी सबसे पहले निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला था अगर आपको याद है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो ओपी है वो सीडी से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू किससे, सीडी से। तो जब ओपी मेरा, ये जो पूरा ओपी है ये पूरे सीडी से जब परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है तो ये हाफ होगा किसका, पूरे का। तो दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ, किसका निकालना है मुझे, पीडी। तो लेंथ ऑफ पीडी इज नथिंग बट हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पूरा कॉर्ड जो कि जिसका नाम है सीडी। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, सीडी का वैल्यू हमें पता है क्या, सीडी का वैल्यू 48 है, तो हाफ ऑफ 48 यानी कि कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या मुझे मिल गया, लेंथ ऑफ पीडी मिल गया। अब ये क्यों निकाला मैंने, इसका काम क्या है, ये क्यों निकाला, इसका जवाब मैं दूंगा अभी। तो लेंथ ऑफ पीडी इसलिए निकाल लिया क्योंकि ये जो डिस्टेंस था पीडी, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था मुझे पता चल गया। मतलब ये ट्रायंगल को मैं अगर अलग से बनाने की कोशिश करूं जो कि इस प्रकार दिखेगा, तो यहां पे ये क्या था, पी था, ये डी था और ये ओ था। ये मैंने कट करके अलग से निकाल के आपको दिखाने के लिए बताया, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ये पीडी आपने अभी अभी निकाल दिया, कितना 24, ये पीडी आपने 24 निकाल दिया। ये ओपी आपको निकालना है, ओपी का वैल्यू आपको निकालना है, ये निकालना है और ओडी दिया हुआ है 25। तो यहां पे देखो एक चीज पता है, दूसरा चीज पता है, तीसरा नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये ट्राइंगल को, हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे ट्राइंगल, क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ओपीडी। तो इन ट्राइंगल ओपीडी एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग क्या लगा सकते हैं वहां पे, पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लगा सकते हैं। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेनियस कौन होगा, 90 के अपोजिट वाला, मतलब ओडी मेरा हाइपोटेनियस है। तो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओपी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, ठीक है। और जो वैल्यू मुझे पता है इसमें हम डाल देंगे फटाफट से, जो वैल्यू मुझे पता है डाल दो, ओडी का वैल्यू पता है देखो आपको 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपी तो मुझे पता ही नहीं है, ये निकालना है, प्लस पीडी का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, देखो पीडी का 24 है, तो 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर वैसी का वैसी प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। सब याद करने बोला हूं आप लोग को, 20 तक तो याद कर लेना, बाकी छोटे मोटे याद हो जाएगा। 576 को इधर लेके आओ तो 625 माइनस 576 हो जाएगा, इधर इक्वल टू अकेला ओपी स्क्वायर बच जाएगा। तो देयरफॉर ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 576 माइनस कर लो, 24 प्लस 25 49, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। देयरफॉर ओपी का वैल्यू क्या आएगा, यहां पे करता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49, तो देयरफॉर ओपी विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और यही आपको निकालना था, क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ इट्स लेंथ। तो सेंटर ऑफ द लेंथ क्या फॉर्मूला क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, ओ से लेके पी, तो आपका ओपी का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। एंड दिस वॉज योर, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना ईजी था, हाँ थोड़ा सा टाइम लगा, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ईजी है ये, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। लॉजिक का खेल था, क्या था लॉजिक, कि हमने एक फॉर्मूला लगाया कॉर्ड वाला पहले, तो कि वो उसका हाफ होता है वो लगाया, उसके बाद उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, आंसर निकाल दिया, हमको तो आंसर निकालना है, करेक्ट है, आ गया आंसर, क्लियर, समझ में आ रहा है। कितना इजी टाइप के एग्जांपल्स होते हैं ऐसे, और डेफिनेटली ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ये आराम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बस आप लोग का ना ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, तो प्रैक्टिस जरूर से करना। समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या पूछा है, क्या बोल रहा है, देखो प्रैक्टिस सेट 17.2 का एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल्स होंगे इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं इसमें। चलो फटाफट से क्वेश्चन रीड करो, हम लोग इसको आपको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो फटाफट से ध्यान देना दोस्तों, ये चीज अगर आप समझ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, चलो ध्यान देंगे, कर लोगे फटाफट। चलो अब देखो, सबसे पहले चीज हमको क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एक फिगर दिया है इस प्रकार का, ये डायग्राम बहुत खतरनाक दिख रहा है, मतलब इसमें बहुत सारे लाइन्स है, ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ये 35 डिग्री, ये ओ पॉइंट है, ये ए बी है, क्या है, बहुत सारी चीज दी है। सबसे पहले एंगल एओबी का वैल्यू निकालना है, किधर गया एंगल एओबी, ये रहा एंगल एओबी, मतलब ये वाला एंगल एओबी है, और दूसरा है सीओडी, सीओडी किधर है, सीओडी ये वाला है, तो आपको ये दोनों एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे क्या क्वेश्चन पूछा है, एंगल एओबी निकालना है और सीओडी निकालना है, मतलब यहाँ पे आप देखो कि दैट इज एंगल एओबी एंड दिस इज द एंगल सीओडी, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। लेकिन हमको निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं पहला क्वेश्चन निकालू, एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि MN जो है यहाँ पे मेरा डायामीटर है, MN जब मेरा डायामीटर है, अगर आप दिमाग लगाओगे MN इज ए डायामीटर, तो इसके हिसाब से हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, कि MN मेरा डायामीटर है यानी कि ये इसका आधा है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
क्योंकि ये एक डायामीटर होता है ना, तो आपको पता है टोटल सर्कल में 360 डिग्री होता है और इसका आधा कर दिया गया, यानी कि ये पूरा एंगल यहां से लेके पूरा यहां तक, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब इन शॉर्ट मेरा जो एंगल AOM जो रहेगा, ठीक है, एंगल AOM जो रहेगा प्लस ये वाला एंगल AOB प्लस एंगल AOB जो रहेगा, ठीक है, प्लस एंगल BON प्लस एंगल BON, ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल AOM मुझे पता है 100 डिग्री है, प्लस AOB मुझे निकालना है, तो एंगल AOB वैसे का वैसे ही, प्लस BON मुझे पता है 35 डिग्री है, और ये तीनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 180। तो यहां पे 100 प्लस 135, 180 से माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 माइनस 135। तो कितना बचेगा, 180 में से 135 निकलेगा तो 45 बचेगा, यानी कि एंगल AOB का जो आंसर आ गया वो आ गया 45 डिग्री। कितना सिंपल और कितना इजी, समझ में आ गया, इजी है। वैसे दूसरा क्या निकालना था, AOB निकाल लिया, COD निकालेंगे, चलो फटाफट से, ठीक है ना, यहीं पे निकालता हूं, चलो ध्यान देना, यहीं पे निकालता हूं। एंगल COD के लिए भी सेम वही रूल, यहां पे M से लेके N तक का 180 बन रहा है, तो यहां पे भी 180 बनेगा, तो यानी कि एंगल MOD ये वाला एंगल प्लस एंगल COD, ठीक है, प्लस एंगल ये वाला जो कि है CON, ठीक है ना, ये तीनों को भी मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। MOD कितना है, 100 है, प्लस COD कितना है निकालना है, ठीक है, प्लस CON कितना है, 35 डिग्री है, दैट विल बी इक्वल टू 180, मतलब सेम उसके जैसा। तो हमारा एंगल COD जो रहेगा वो भी आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, ठीक है ना, 100 प्लस 35, 135 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एंगल COD विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने दोनों ही निकाल दिया कि दोनों ही एंगल जो आ रहा है, चाहे वो AOB हो चाहे वो COD हो, वो कितना आ रहा है, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत सिंपल था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, देखो क्या बोल रहा है, शो दैट आर्क AB और आर्क CD कॉन्ग्रुएंट है। आर्क AB मतलब ये वाला जो आर्क है AB, और आर्क CD ये वाला जो आर्क है आर्क CD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, देखो सेकंड वन, सबसे पहले मुझे एक चीज पता है कि यहां पे कि जो मेरा आर्क AB जो है इसका जो एंगल दिया हुआ है, एंगल AOB, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो एंगल मेरा AOB जो दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो उसके बराबर दिया हुआ है। तो यहां पे कि जो आर्क मेरा है, क्या नाम है इस आर्क का, दैट इज AB, वो किसके बराबर रहेगा, इस एंगल के, एंगल AOB के बराबर रहेगा, ठीक है। तो आर्क AB इज इक्वल टू एंगल AOB जो कि है 45 डिग्री, मतलब एक वैल्यू मुझे पता चल गया। उसी प्रकार ये जो आर्क CD है ये किसके बराबर रहेगा, इस एंगल जो कि एंगल COD के बराबर है, तो मेरा आर्क जो CD है वो किसके बराबर रहेगा, एंगल COD, सॉरी देखो यहां पे COD के बराबर रहेगा आर्क CD, ठीक है ना, CD किसके बराबर रहेगा, COD के बराबर रहेगा, एंगल COD के बराबर जो कि कितना आ रहा था 45, तो दोनों ही दोनों 45 है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर्क AB जो रहेगा कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD रहेगा। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, दोनों ही आर्क का वैल्यू 45 डिग्री है, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हो गया तीसरा, दूसरा हो गया, आप तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, शो दैट द कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD, मतलब ये जो कॉर्ड AB है और ये कॉर्ड CD है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि कॉर्ड AB एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड AC से, ठीक है, कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब यहां पे हम लोग को पता है कि आर्क AB मेरा कॉन्ग्रुएंट है आर्क CD से, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो कॉर्ड होगा, कॉर्ड AB जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, कॉर्ड CD से। ये रूल होता है कि जब भी कोई आर कॉन्ग्रुएंट है तो उसी के ऊपर उसी का जो कॉर्ड होता है वो भी एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दैट इज द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये अभी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये तीन चीज पूछा था, ये सेकंड, ये थर्ड और फर्स्ट हमने कर दिया यहां पर, तो हमने ये क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर दिया, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इजी था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, हमने अपनी तरफ से तो रिवाइज करा दिया, और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका ये जो चैप्टर है ये हमने फटाफट रिवाइज करा दिया, और पूरा मैथ्स भी एक तरीके से रिवाइज हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए फिर मैं ये वीडियो को एंड करता हूं, और आप लोग क्या करोगे, जितना हो सके हमारे लेक्चर वीडियोस भी देखना, ये LMR रिवीजन वीडियोस है वो भी देख लेना, और अपने दोस्तों को शेयर करके बता देना, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते रहो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।